नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सॉल्ट टू टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे तुर्री। तुर्री या इसे हम ड्राई फ्रूट मिल्क भी कहते हैं, ये बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। तुर्री बनाने के लिए हमने ये कुछ मेवे लिए हैं। हमने लिया है 20 बादाम, 3 से 4 इंच सूखा नारियल, 4 छुआरा, 20 किशमिश, 15 से 20 काजू और 1 टीस्पून मूंग दाल। ये सब हमने 7 से 8 घंटों के लिए भिगोकर रखा था। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और उसमें अपने सूखे नारियल को छोटा छोटा काट कर डाल लेंगे। हम अपने बादाम का छिलका उतारेंगे और इसे भी मिक्सर जार में डालकर सारे ड्राई फ्रूट को एक साथ पीस लेंगे। हम अपने छुआरे को भी काट कर डाल लेंगे और इसकी बीज निकाल लेंगे। इसमें हम आधी कटोरी से भी कम पानी डालेंगे और फिर हम अपने मिक्सर जार को चला लेंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स का एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए, हमारा पेस्ट इतना महीन दिखना चाहिए। अब हम अपना पेस्ट एक कटोरी में निकाल लेंगे और फिर इसी मिक्सर जार में हम अपनी मूंग की दाल को भी पीस लेंगे। आप मिक्सर जार में पानी डाल के पूरा अच्छे से अपना पेस्ट निकाल लीजिएगा ड्राई फ्रूट्स का। अब हम इसमें अपनी मूंग की दाल डालेंगे और इसका भी पेस्ट बना लेंगे। हमारी मूंग की दाल का पेस्ट भी तैयार हो गया है। ध्यान रहे, हमने बिना छिलके वाली मूंग की दाल ली है। अब हम एक कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी का। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट डाल देंगे इसमें। ये हमने मूंग की दाल का पेस्ट डाला है और अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। जब दाल हमारी थोड़ी सी भुन जाए तो इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट डाल देंगे और फिर इसे भी थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ड्राई फ्रूट्स भुनने पे आपको एक अच्छी सी खुशबू भी आएगी। ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 गिलास दूध। दूध हमारा 360 से 380 ml तक होगा। हम अपनी तुर्री को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। जब हमारी तुर्री उबलने लगे तो हम इसे बस 3 से 4 मिनट और पकाएंगे और फिर हम गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। चीनी आप इसमें अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। हमने इसमें 1 टेबल स्पून चीनी डाला है। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम चीनी भी डाल सकते हैं। आप तुर्री में शहद भी डाल सकते हैं, पर शहद डालते वक्त याद रखिएगा कि दूध हमारा ठंडा हो गया हो। हमारी तुर्री अब तैयार है। हम इसे गरम गरम ही सर्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।